नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। कोलंबिया विमान दुर्घटना से फुटबॉल जगत में छाई शोक की लहर। विमान हादसे में सिर्फ 5 लोग जिंदा बचाए गए, 86 की हुई थी मौत। विमान में ब्राजील की शेपेकोएंसो फुटबॉल टीम थी मौजूद। अमेरिका के लॉस वेगास में हुए इंटरनेशनल मेमोरियल गेम्स में भारत ने दिखाया दम। 3 स्वर्ण सहित 15 पदक जीतकर शीर्ष पर पहुंचा भारत। प्रतियोगियों में याददाश्त और दिमाग से की गई गणना जैसे होती हैं परीक्षाएं। भूकंप के झटकों से हिली इंडोनेशिया की धरती। रिक्टर पैमाने पर 5.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। मुलुकु तेनगारा बारात से 86 किलोमीटर पूर्वोत्तर में रहा भूकंप का केंद्र। जापान के उत्तरी प्रांत निगाटा में बर्ड फ्लू की दस्तक। 40 पक्षी H5 बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए। प्रशासन ने 3 लाख से ज्यादा पक्षियों को मारने का दिया निर्देश। आतंकी संगठन तालिबान ने अपनी घोषणा से दुनिया को चौंकाया। संगठन ने की तापी गैस पाइपलाइन सहित अफगानिस्तान की सभी आधारभूत परियोजनाओं की सुरक्षा की पेशकश। कहा, देश और इस्लाम के हित में परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में करेंगे मदद। तुर्की में अदाना के एक हॉस्टल में लगी भीषण आग, छात्राओं सहित 12 लोगों की मौत। हादसे के पीछे तकनीकी गड़बड़ी की आशंका। और यूरोप पहुंचने के प्रयास में 4,700 शरणार्थियों की हुई मौत। शरणार्थी भूमध्य सागर में डूबे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने की पुष्टि। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।